बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ऐसे हमारा डॉक्टर के बारे में है। पहले भी काफ़ी सारे ऐसेज लिखे हैं, आज का ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को आमतौर पे कोई ना कोई प्रोफेशन याद करवाया जाता है, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशंस के बारे में बताया जाता है, जिसमें टीचर, डॉक्टर। बच्चों से पूछा जाए कि आप क्या बनेंगे, तो आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा। सारे छोटे बच्चे यही कहते हैं, मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो आज का ऐसे हमारा डॉक्टर के बारे में है। पहला इसका सेंटेंस है, डॉक्टर इज़ अ वेरी नाइस ऑक्यूपेशन। डॉक्टर जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही अच्छा ऑक्यूपेशन है या प्रोफेशन है, शोभा है। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और इन अ क्लिनिक। वो एक हॉस्पिटल में या फिर एक क्लिनिक में काम करता है, यानी कि डॉक्टर जो है वो एक हॉस्पिटल में काम करता है या फिर क्लिनिक में। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और इन अ क्लिनिक। ही हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट द सिक पीपल। उसकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बीमार लोगों का इलाज करे, या फिर बीमार लोगों का इलाज करना उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है या अजीम जिम्मेदारी है। ही हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट द सिक पीपल। He listens the people carefully. वो लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनता है। He listens the people carefully. वो लोगों की बातें, वो यानी कि डॉक्टर, लोगों की बातें बहुत ध्यान से या एहतियात से सुनता है। He provides the best treatment to the patients. वो मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया करता है। He provides the best treatment to the patients. वो मरीज़ों को बेहतरीन ट्रीटमेंट, इलाज, वो मरीज़ों को बेहतरीन इलाज मुहैया करता है, प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है। ही प्रोवाइड्स द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स। ही राइट्स मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। वो मरीज़ों के लिए दवाइयाँ लिखता है, अदवियात लिखता है या मेडिसिन लिखता है। ही राइट्स मेडिसिन फॉर द पेशेंट्स। He advises the patients to take rest and eat proper food. वो मरीजों को नसीहत करता है कि आप रेस्ट करें, आराम करें, आराम करने की और अच्छी खुराक लेने की नसीहत करता है। वो मरीजों को आराम करने और अच्छी खुराक लेने की नसीहत करता है। He advises the patient to take rest and eat proper food. He lives a busy life. उसकी वो एक बहुत मसरूफ जिंदगी गुजारता है। He lives a busy life. He works day and night. वो दिन रात काम करता है। He works day and night. वो दिन रात काम करता है। Many people come to his clinic. बहुत सारे लोग उसके क्लिनिक में आते हैं, उसके यानी के डॉक्टर के। Many people come to his clinic. बहुत से लोग उसके क्लिनिक में आते हैं। He helps the people without feeling tired. वो लोगों की मदद करता है बगैर थकावट महसूस किए। He helps the people. वो लोगों की मदद करता है without feeling tired. कोई भी थकावट महसूस किए बगैर। Tired, थका होना, feeling महसूस करना। He helps the people without feeling tired. I like this occupation from the heart. मैं इस शोबे को दिल से पसंद करता हूँ या करती हूँ। आई लाइक दिस ऑक्यूपेशन फ्राम द हर्ट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ या मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। ये पूरा ऐसे एक साथ लिखा हुआ है। अगर वो पूरी वीडियो छोड़ के सिर्फ इसको भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो ये पूरा ऐसे बच्चों के लिए हो जाता है। एन ऐसे अबाउट अ डॉक्टर फॉर किड्स। डॉक्टर इज़ अ वेरी नाइस ऑक्यूपेशन। ही वर्क्स इन अ हॉस्पिटल आर इन अ क्लिनिक। ही हैज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट द सिक पीपल। ही लिसन्स द पीपल केयरफुली। ही प्रोवाइड्स द पेशेंट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट। इधर द आएगा बेस्ट से पहले। He provides the patients the best treatment. He writes medicines for patients.
He advises the patients to take rest and eat proper food. He lives a busy life. He works day and night. Many people come to his clinic. He helps the people without feeling tired. उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा बच्चों के लिए, आसान भी है और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी की है ताकि बच्चों को समझ आ सके इजीली।